as this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ, वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर, और आज बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट मुजफ्फरनगर की। उत्तर प्रदेश में सियासत के लिहाज से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की अपनी ही खास पहचान रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस सीट को जाट बेल्ट क्षेत्र माना जाता है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 20 मार्च से 27 मार्च तक 38 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें 28 मार्च को 27 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए थे। 30 मार्च को किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया, जिसके बाद अब मैदान में कुल 11 उम्मीदवार रह गए हैं। बता दें, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना के परिणाम सामने आ जाएंगे। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं पर नजर डालें तो जिले में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 18,16,284 है। इन मतदाताओं में 9,68,265 पुरुष और 8,47,875 महिला मतदाता हैं, जबकि 144 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल हैं। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। जनपद में 868 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 1,972 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद में 25 जोनल मजिस्ट्रेट, 169 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। भाजपा ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को तीसरी बार टिकट दिया है। वह पिछले 12 साल से जिले की राजनीति में सक्रिय हैं। मूल रूप से कुटबी गांव के रहने वाले डॉक्टर संजीव बालियान 2012 के विधानसभा चुनाव में चरथावल सीट से टिकट के दावेदार थे, लेकिन तब स्वर्गीय विजय कश्यप को भाजपा ने टिकट दिया था। इसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी की। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बदले हालात में भाजपा ने पहली बार 2014 में उन्हें टिकट दिया और वह जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। दूसरी बार 2019 में एक बार फिर भाजपा के टिकट पर डॉक्टर संजीव बालियान ने दिवंगत रालोद अध्यक्ष अजीत सिंह को हराकर चुनाव जीता और केंद्र में मंत्री भी बनाए गए। चूंकि सपा कांग्रेस गठबंधन में ये सीट सपा के खाते में गई है, तो समाजवादी पार्टी ने यहां से हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया है। किसान परिवार में जन्मे हरेंद्र मलिक ने छात्र राजनीति में कदम रखकर सियासत की शुरुआत की है। सियासत का शौक रखने वाले हरेंद्र मलिक 4 बार विधायक और 1 बार के राज्यसभा सांसद रहे हैं। कद्दावर नेता हरेंद्र मलिक ने विधानसभा और राज्यसभा में किसान, मजदूर और गरीब की आवाज़ उठाने का काम किया। लोकप्रिय नेता हरेंद्र मलिक को इससे पहले सपा राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया गया था, जबकि बसपा ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से दारा सिंह प्रजापत को उम्मीदवार बनाया है। दारा सिंह प्रजापत मूल रूप से मेरठ के रहने वाले हैं। बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापत ने सपा से अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी। वह 1995 से 2006 तक समाजवादी पार्टी के साथ रहे। इसके बाद 2014 में मायावती के खेमे में चले गए। दारा सिंह प्रजापत पार्टी के कई पदों पर रह चुके हैं। दारा सिंह प्रजापत ने साल 2009 में मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मुजफ्फरनगर के संसदीय इतिहास की बात करें तो 1990 के बाद से कुल
8 बार यहां पर चुनाव हुए हैं। यहां भाजपा से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस सभी पार्टियों को जीत मिल चुकी है। आखिरी बार 1999 के चुनाव में कांग्रेस ने मुजफ्फरनगर में जीत दर्ज की थी। वहीं 2004 के चुनाव में सपा के मुनव्वर हसन विजयी हुए थे। फिर 2009 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कादर खान ने वो सीट अपने नाम की थी। वर्ष 2013 में हुए दंगों की वजह से मुजफ्फरनगर लगातार सुर्खियों में रहा था। इसके बाद सन 2014 से केंद्र में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी यहां पर लगातार अजेय बनी हुई है। 2019 के संसदीय चुनाव में बीजेपी के संजीव कुमार बालियान ने प्रदेश के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक अजीत सिंह को कांटेदार मुकाबले में हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया था। बालियान ने 6,526 मतों के अंतर से यह मुकाबला जीता था। चुनाव में बालियान को 5,73,780 वोट मिले थे। अजीत सिंह को 5,67,254 वोट मिले हैं। अब अजीत सिंह की पार्टी उनके साथ है, इसका उन्हें कितना फायदा मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।